हरियाणा केंडर की युवा आईएएस अधिकारी रानी नागर के साथ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती खड़ी हो गई हैं। मायावती ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा रानी नागर के पक्ष में एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा सरकार को इस मामले में लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया है। मायावती का ट्वीट आने के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर छा गया है। रानी नागर गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव की मूल निवासी हैं और मायावती भी इसी गांव की रहने वाली हैं। रानी नागर हरियाणा केंडर की वर्ष 2014 की आईएएस अधिकारी हैं। रानी ने गुरुवार को सुबह करीब 4 बजे अपने फेसबुक वॉल पर लिखा। उन्होंने बताया कि वह हरियाणा में नौकरी नहीं कर पा रही हैं। उन्हें और उनकी बहन को जान की खतरा है। वे लॉकडाउन के कारण अपनी नौकरी नहीं छोड़ पा रही हैं। लॉकडाउन के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। फेसबुक पोस्ट के बाद यह पूरा प्रकरण मीडिया में छा गया। बादलपुर गांव के निवासी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कतार सिंह नागर ने पूरी जानकारी बसपा सुप्रीमो मायावती तक दी। मायावती ने शनिवार को ट्वीट किया और रानी नागर को समर्थन दिया है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर की मूल निवासी व हरियाणा केंडर की आईएएस 2014 अधिकारी रानी नागर द्वारा अपने कुछ उच्च अधिकारियों पर उत्पीड़न व बहन सहित इन्हें जान को खतरा के विरोध में अत्यंत इस्तीफा देने की जो बात कही है, यह अति गंभीर मामला है। सरकार इसका तुरंत उचित संज्ञान ले। अनेकों शिकायतों के बावजूद उक्त महिला आईएएस अधिकारी के खिलाफ जारी उत्पीड़न मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यह बीएसपी की हरियाणा व केंद्र सरकार से भी मांग है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।